थकान तो होती है, बहुत थकान होती है, लेकिन इस बार मुझे बहुत एक्साइटमेंट भी है। हम लोग फिल्म देख चुके हैं और हम बहुत एक्साइटेड हैं कि किस तरह का रिस्पांस होगा। आई थिंक म्यूज़िक को बहुत अच्छा, वी गॉट वेरी वेरी गुड रिस्पांस टू द म्यूज़िक एंड प्रोमो का भी बहुत अच्छा रिस्पांस, बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला है। तो बहुत सारी फीलिंग्स होती है यार जब फिल्म रिलीज़ पर होती है, तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू एक्सप्रेस। एंग्जाइटी होती है, थोड़ा बहुत स्ट्रेस होता है, साथ में एक्साइटमेंट होता है, थकान भी होती है, लेकिन आप अगले दिन का वेट कर रहे होते हो, फ्राइडे से डर भी लगता है लेकिन फ्राइडे जल्दी आ जाओ ऐसा भी फील होता है। तो इट्स अ यू नो मिक्स्ड बैग ऑफ। यार मेरा कॉलेज है, मैं मिठीबाई में पढ़ चुका हूँ, तो जब भी जाता हूँ बहुत कूल फील होता है, ऐसा लगता है वापस घर आ गया। और मुझे वैसी फीलिंग भी आती है, मैं जब भी कैंपस को एंटर करता हूँ, जिस तरह से वहाँ के जितने भी स्टूडेंट्स मिलते हैं, आई थिंक मोस्ट ऑफ देम नो कि मैं मिठीबाई से ही हूँ, तो एक अपनापन सा एक फील होता है। दूसरा मुझे बहुत क्यूट लगा, वहाँ पे जितनी भी लड़कियाँ थी वो सब साड़ियाँ पहन कर आई थी, और फिर हम लोगों ने सब ने साथ में साड़ी के फॉल्सा पे डांस किया, तो आई थॉट दैट वाज वेरी क्यूट एंड वेरी स्वीट ऑफ देम टू डू समथिंग लाइक दैट। फिर जैसा आप कह रहे हैं, सबसे अच्छी बात ये थी कि जब गाने गा रहे थे तो सबको, सारे गाने गा रहे थे सब लोग, मैं डायलॉग बोल रहा था उससे पहले ही लोग वायलेंट वाला ऐसा चिल्ला रहे थे। तो यार इससे बेटर फीलिंग तो होती नहीं है कि ये हमने, और प्रभु देवा स्पेशली उनकी फिल्में जो होती हैं वो यही फैक्टर्स होते हैं, उनके गाने पॉपुलर होने चाहिए, उनके डायलॉग्स लोग बोलना पसंद करते हैं, तो बहुत बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी। एक तो मुझसे किसी ने पूछा था, डू यू थिंक सोनाक्षी विल बी लकी फॉर यू, बिकॉज काफ़ी सारे एक्टर्स उनको लकी मैस्कॉट बोलते हैं। तो मैंने कहा ज़रूर, अगर वो दूसरों के लिए लकी रही हैं तो मेरे लिए तो होंगी ही होंगी, क्योंकि फिलहाल तो मेरी राजकुमारी हैं, उन पे मेरा ही जन्म सिद्ध अधिकार है 6 दिसंबर तक, कल तक। मैं ऑनेस्टली लकवक को मानता नहीं हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि लाइफ में जब कुछ आना होता है तब आता है, जब ऊपर वाला देना चाहता है तब देता है, और हमारा काम है काम करना और मेहनत करना, ऑडियंस को खुश करने की कोशिश करना, ऑडियंस के साथ रिलेशनशिप बनाना और बेहतर स्क्रिप्ट चुनने की कोशिश करना, यही सब चीज़ों में मैं सोचता हूँ। उसके आगे किस्मत है यार, ये प्रोफेशन में किस्मत बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी सारी चीज़ें जो होती हैं वो आपके आउट ऑफ कंट्रोल होती हैं, तो इसे लोग लकवक कहते हैं, बट मैं ये सब नहीं मानता। मैं मेहनत कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, और मैं प्रोफेशन को और पर्सनल लाइफ को साथ में यार कनेक्ट नहीं करता। मुझे ऐसे नहीं लगता कि शादी कर लूँगा तो पिक्चर चल जाएगी, मैं वैसे सोचता नहीं हूँ, मुझे लगता है दोनों लोगों के साथ इंसान जब काम करता है तो पॉसिबल नहीं है सबसे। मुझे एक्चुअली जिन लोगों की सबसे दोस्ती होती है ना, मुझे उनसे डर लगता है, बिकॉज सबसे दोस्ती होती है मतलब कुछ रियल नहीं है बॉस, मुझे ऐसा फील होता है। कुछ लोगों के साथ नेचुरली दोस्ती हो जाती है, कुछ लोगों के साथ नेचुरली एक यू नो एक पॉजिटिव एटमोसफियर बन जाता है, यू गेट अलॉन्ग विद समबडी। तो मेरे थोड़े दोस्त हैं इंडस्ट्री में, और आज की तारीख में मैं कहूँगा उनमें से एक सोनाक्षी हैं, बिकॉज इस फिल्म में काम करने के बाद आई फील दैट वो बहुत ही बहुत मज़ा आया हमको काम करके साथ में, शी इज़ अ वेरी नाइस पर्सन, और सो आई थिंक शी इज़ अ फ्रेंड, एंड आई थिंक फिल्म ख़त्म होने के बाद भी आई एम श्योर। और तू तो ऐसे बोल रहा है हम लोग आगे पिक्चर नहीं करेंगे साथ में यार। यार इसके बाद मेरी अब अगली रिलीज 6-7 महीने बाद आएगी, तो आई थिंक हर एक्टर को साल में 1 या 2 अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, बिकॉज पहले ऐसा होता था कि आप हैं यहाँ बट फिर भी मैं कहूँगा कि मतलब आप 5-6 कर लेते हैं पता नहीं कैसे, बट एक्टर्स को यूजुअली 1 या 2 फिल्म, मैक्सिमम 3 फिल्म करने का चांस मिलता है साल में। तो जो भी आप फिल्म करते हो आप एक पॉइंट ऑफ व्यू से करते हो कि यार ये फिल्म मैं इस वजह से कर रहा हूँ, तो डेफिनेटली आर राजकुमार ऐसी फिल्म है जो ऑडियंस के लिए बनाई गई है। प्रभु सर जो अपनी फिल्में बनाते हैं वो ऑडियंस को एंटरटेन करने के लिए बनाते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि ये फिल्म ऑडियंस को एंटरटेन करे, मैं चाहता हूँ कि ऑडियंस मुझे एज एन एंटरटेनर देखे और पसंद करे। डेफिनेटली इट्स इंपॉर्टेंट दैट द फिल्म डज वेल, आई एम एंक्शियस एंड एक्साइटेड बोथ। आप कह रहे हैं कि फिल्म के प्रोमोज और फिल्म के गाने लोगों को बहुत अच्छे लग रहे हैं, आप कह रहे हैं कि ऐसा अब चलेगी फिल्म एंड ऑल दैट, बट मुझे पता नहीं, मुझे लगता है फ्राइडे को जब ऑडियंस देखती है तभी डिसाइड करती है। बट हाँ डेफिनेटली मैं चाहता हूँ इस बार, अब दिल से मेरी एक फीलिंग है दैट आई होप दैट ऑडियंस इस बार इस फिल्म को कि बहुत ही एंटरटेनिंग फिल्म है हमने देखी है, और हम इस प्रोडक्ट से, हमारी फिल्म से बहुत खुश हैं। जब आप देखते हैं कि मेहनत आपकी कैसे रंग लाई है स्क्रीन पर, तो और भी अच्छा लगता है, एंड वी जस्ट वॉन्ट टू शेयर दैट विद द ऑडियंस। एंड उन्होंने हमारे प्रोमोस को, हमारे गानों को इतना सराहा है, and I wish that they enjoy the film as much as they love the songs in the Prabhu Deva ke direction aur Sonakshi Sinha ki beauty ke liye aap aa Rajkumar dekhiye, sir beauty luck thodi dikhta hai tv ke upar screen ke upar,
आपकी खूबसूरती, आपका टैलेंट, आपकी शिद्दत, आपकी मेहनत, आपका कमिटमेंट, आपका, और शाहिद कपूर को एज एन एक्शन हीरो देखने के लिए प्लीज आइए। हाय, मैं हूँ शाहिद कपूर और मैं हूँ सोनाक्षी सिन्हा, और आप सबको नए साल की शुभकामनाएं।